लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, अब कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े नहीं और इंजीनियरिंग की किताब उठाए, कह जी अंग्रेजी तो मैंने पढ़ी है, वही अंग्रेजी इसमें लिखी, वही अंग्रेजी इसमें लिखी, मैं इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। अब अंग्रेजी में ग्रेविटी का मतलब है व्यक्तित्व में गरिमा होना, और साइंस में ग्रेविटी का मतलब है जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब समस्या क्या है कि बगैर समझे हुए मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जितने भी ये तथाकथित वामपंथी हैं, इसमें से किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद वेदों पर टिप्पणी की हो तो मैं पूछने को तैयार हूं। और तो और छोड़िए, इनमें से किसी को वैदिक व्याकरण की संस्कृति नहीं पढ़ी है। देखिए, लौकिक संस्कृत का व्याकरण अलग है, वैदिक संस्कृत का व्याकरण अलग है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मकर संक्रांति का पर्व है, संक्रांति का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है। वैदिक व्याकरण में संक्रम का अपोजिट है विक्रम, यानी ऊपर से नीचे जाना, पर लौकिक संस्कृत में विक्रम पराक्रम का अर्थ हो गया, इसीलिए विक्रमादित्य शब्द प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर ही लेंगे ना। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अच्छा ये बताइए, आज जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उनमें से 10 में से 9 लोगों से पूछिए पैसारे शब्द का अर्थ क्या है, तो यही कहेंगे ना, पैसारे मतलब पैसा रे। तो वो जाके रामचरितमानस में क्या अर्थ निकालेंगे, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा बिन पैसा रे, मतलब बगैर पैसे के तो आज्ञा होती नहीं थी। होगा 500 साल के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, ये भाषाई वैमनस्य पैदा करके जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त किया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ के संस्कृत पढ़ी जा रही है। जब अंग्रेजी पढ़ के अवधि पढ़ी जाएगी 500 साल के बाद, तो कहा जाएगा पैसा रे का अर्थ यही पैसा रे था, और देखो ये भी प्रमाण है कि राम के काल में भी पैसा देने के बाद ही गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता था। ऐसे ऐसे एब्सर्ड बातें करने का प्रयास। और अंत में एक बात विनम्रता से कहूंगा, सिर्फ हिंदू धर्म में यह है, इस्लाम में बताइए, मुफ्ती मुकर्रम बारी मौलवी किसी की हैसियत है उसके अलावा कोई कुछ बोल दे? क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप कार्डिनल फादर किसी की हैसियत है कोई बोल दे? जो लोग बैठे हमारे विरोध में, मैं हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर हैसियत है तो बोल के दिखाएं, मगर यहां पर कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, जानकारी के बगैर बोलेगा।